प्रदेश में विपक्ष में बैठने के बाद भाजपा अब तक का अपना सबसे बड़ा प्रदर्शन 11 जून को करने जा रही है। कमलनाथ सरकार की नीतियों को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में जिले की 350 पंचायतों के किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन शहर की 5 विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जगह जगह करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करेंगे, जो 350 पंचायतों के किसानों के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के प्रमुख मुद्दे कर्ज माफी, किसानों की उपज पर बोनस और प्रोत्साहन राशि और बिजली कटौती के मुद्दों पर कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। संघर्ष में शहीद हुए थे उनके प्रत्येक के घर में एक एक करोड़ रुपए की सहायता दी और हम उनको सदैव श्रद्धांजलि देते हैं। ये कोई ये दो अवसर नहीं होता है जब हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसमें दो तीन बातें और रहेंगी जो मैं अभी बताना चाहता था। एक तो 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि का सूची अभी तक प्रदेश की सरकार ने केंद्र को नहीं सौंपी है। ये संवैधानिक संकट की स्थिति है। जो हमने बर्खास्त करने की मांग की है उसमें यह शामिल है कि केंद्र सरकार के खजाने से 6,000 रुपया प्रति वर्ष प्रत्येक किसान को जाना है। अब ये संभव है कि दो किस्त एक साथ 4,000 रुपये में मिल जाए तो जो छोटा किसान है लघु किसान है उसको तो 4,000 रुपये में उसके बीज खाद की व्यवस्था हो जाएगी जो 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा में खेती करता है। और अगर ये समय पर नहीं पहुंचाए तो पिछले वर्ष का पैसा उनको ले सकते हैं उस बजट में से तो दे नहीं पाएंगे। एक बात दूसरा एक विषय इसमें और दिया है कि स्व सहायता समूह का कर्जा भी पूर्णतया माफ करने का वचन इन्होंने दिया है।